Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your own channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So ये जो हमारा फिगर दिया गया है, ये हमको अर्थवर्म का फिगर दिया गया है ना, बॉडी ऑफ अर्थवर्म के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो पे छूट गया था, ये बाई मिस्टेक ये हमारा मिस हो गया था, तो आज मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, मैंने देखा था प्रोस्टोमियम जो था अर्थवर्म में, वो क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता था, है ना, उसका फंक्शन जो था सेंसरी करता, वो सेंस ऑर्गन के तरीके फंक्शन करता था, है ना। उसके बाद हमारा क्या था, पेरिस्टोमियम, है ना, पेरिस्टोमियम को हम बक्कल सेगमेंट भी बोलते थे, जो कि माउथ में पाया जा रहा था, है ना, पेरी यानी माउथ ओपनिंग के चारों तरफ ये कवरिंग बना रहा था। ठीक है, इसको बक्कल सेगमेंट भी बोलते थे हमारा। ये जो हमारा है, ये कौन सा व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू पे हमको दिखाया गया है। ठीक है, और ये क्लाइटेलम पाया जा रहा था, क्लाइटेलम के बेसिस पे हम बॉडी को अर्थवर्म की तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, है ना, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर, यानी क्लाइटेलर के पहले तो वो हमारा प्री हो गया और उसके बाद में हो गया तो पोस्ट हो गया। ठीक है, ये हमको दिखाया गया, ये लेटरल व्यू दिखाया गया, यानी बगल से साइड से लेटरल व्यू दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये हमको दिखाया गया है वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। वेंट्रल व्यू पे हमारी क्या मतलब पहचान क्या थी, उसमें हमारा जो मेल जेनिटल पाए जा रहे थे वो 18 सेगमेंट पे पाए जा रहे थे, जो कि हमारे वेंट्रोलेटरल थे, यानी वेंट्रल साइड पे अगल बगल थे वेंट्रोलेटरल। ठीक है, और जो फीमेल जेनिटल अपर्चर थे, ये हमारे 14 सेगमेंट पे पाए जा रहे थे, जो कि हमारे मिड वेंट्रल थे, यानी वेंट्रल के बीचों बीच थे। ठीक है, और ये हमारा जो था सिटाई, ये हमारा लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था। ये सिटाई हमारे बाहर आ रहे थे, यस सेप थे ये हमारे, है ना, यस सेप, जब सिटाई बाहर आ रहे थे तो हमारा अर्थवर्म आगे बढ़ रहा था। ठीक है, वो हमारे अंदर चले जा रहे थे, अर्थवर्म को लोकोमोशन रुक जा रहा था। ठीक है, और ये हमारा रिंग ऑफ सिटाई, ये हमारे लेटरल व्यू पे दिखाया गया, तो सिटाई की जो रिंग होती है वो इस टाइप की होती है डॉट डॉट करके। ठीक है, और ये हमारा जो मेटामर्स है ना, मेटामर्स जो हमारा इसीलिए अर्थवर्म को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें पाया जाता है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है ना, छोटे छोटे एनिमल्स मतलब छल्ले के रूप में डिवाइड होती है बॉडी, उसको मेटामर्स बोलते हैं ना, शॉर्ट सेगमेंट होते हैं वो 100 से 120 हो सकते हैं, 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो एनस होता है, ठीक है, एनस ओपनिंग, जिससे हमारा स्केलेटरी मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया गया है हमको, जेनाइटल पैपिलिया दिखाए गए हैं ना, ये जेनाइटल पैपिलिया, ये हमारा मेल जेनाइटल के बारे में बात कर रहा है, मेल जेनाइटल अपर्चर की बात कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ग्रुप है ना, ट्रांसवर्स ग्रुप यानी ये, इसमें हमको दिखाए गए ट्रांसवर्स ग्रुप जो खड़ी खड़ी ऐसे है ना, ये दिखाए गए ट्रांसवर्स ग्रुप्स हैं, और इनू को हम बोलते हैं एनुलाई, यानी छोटे छोटे ये हमको एनुअल छल्ले के रूप में दिखाए गए हैं ना, एनुलस ऐसे छल्ले के रूप में स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एनुलस बोलते हैं, एनुलाई बोलते हैं, है ना। एनलिडा का मतलब ही होता है लिटिल एनुलाई, यानी छोटे छोटे छल्ले। एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म की आहार नाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है ना, उसमें मेटामर्स पाए जाते हैं, ये सभी को पता है, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी उसमें बताया था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या, द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल विच इज द एपिडर्मिस, है ना, विच इज बिलो द एपिडर्मिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अर्थवर्म की बॉडी वॉल होती है ना, बॉडी वॉल होती है यानी बॉडी की जो कवरिंग होती है, यानी बॉडी की जो वॉल होती है, यानी बॉडी की जो दीवार होती है। ठीक है, सो वो हमारी कवर्ड होती है, एक्सटर्नली कवर्ड होती है, बाहर से कवर्ड होगी नॉन सेलुलर, जो कि नॉन सेलुलर क्यूटिकल की बनी होती है, क्यूटिकल होता है हमारा नॉन सेलुलर होता है ना, जैसे हम देख रहे थे लीफ के केस में, देख रहे थे हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, है ना, कि उसमें क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही थी, है ना, जो कि हमारा ट्रांसपायरेशन को रोक रही थी, है ना, यानी वाटर लॉस को रोक रही थी, कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो ट्रांसपायरेशन के दौरान। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या है, नॉन सेलुलर की, नॉन सेल बिना सेल की बनी हुई क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जिसके नीचे क्यूटिकल के लेयर के नीचे क्या होगा, हमारा
इपिडर्मिस होगा, ठीक है, इपिडर्मिस होगा जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, बॉल की, बॉडी बॉल की आउटर लेयर होगी वो इपिडर्मिस होगी। इपी का मतलब ही होता है, इपी का मतलब आउटर, इपी का मतलब आउटर, ठीक है, और डर्मिस मतलब वो स्किन से रिलेटेड है, डर्म से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए हमारी इपिडर्मिस जो होगी उसके बाहर एक कवरिंग होगी नॉन सेलुलर की बनी होगी जिसको हम क्यूटिकल बोलेंगे, ठीक है। टू मसल लेयर, टू मसल लेयर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड एन इनर मोस्ट फिलोमिक एपिथेलियम, ठीक है, उसमें टू मसल लेयर्स होंगी। टू मसल लेयर कौन कौन सी होंगी, जो इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सो हमारी बॉडी वॉल में क्या होती है, उसमें जो होती है इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, बस इसमें अपोजिट होता है ना, जो इनर होगी, इनर जो होगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। अर्थवर्म के केस में इनर जो लॉन्गिट्यूडनल होती है और आउटर जो होती है, आउटर जो होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है, आउटर जो होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। टू मसल लेयर पाई जाएंगी, जो होगी इनर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, आउटर जो होगी वो सर्कुलर होगी। एन एन इनर मोस्ट फिलोमिक एपिथेलियम, और एक फिलोमिक एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। द इपिडर्मिस इज मेड ऑफ, है ना, इपिडर्मिस जो होती है वो काहे की बनी होती है, इपिडर्मिस इज मेड ऑफ ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ द कॉलुमनर एपिथेलियम, है ना, जो इपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है, विच कंटेन सेक्रेटरी ग्लैंड, है ना, जो कि सेक्रेटरी ग्लैंड को कंटेन करती है, यानी उसमें सेक्रेटरी ग्लैंड पाई जाएंगी। मैंने आपको बताया था कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन जो था वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था, ठीक है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था, कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन जो था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था, ठीक है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था। इसकी जो सेल थी कॉलम लाइक थी, ठीक है, कॉलम लाइक थी, और इसमें जो न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे वो बेसल न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे, यानी बेस पे न्यूक्लियाई पाए जा रहे थे, ठीक है। ये क्या है, जो कि हमारी कॉलुमनर एपिथेलियम से बनी होती है, और ये क्या सिक्रेटरी ग्लैंड कंटेन करती है, यानी इसमें सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाएंगी, ठीक है। जो ग्लैंड होगी तभी उसमें क्या सिक्रेशन होगा, है ना, कोई चीज़ ग्लैंड से ये सिक्रेट होकर निकलती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब एंड रन बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तो जैसे हम इनको एनिलिट्स को हम ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है, इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ना सिलेंड्रिकल होती है ऐसे, ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे, इनकी बॉडी को काटेंगे तो अंदर एक हमको और ट्यूब टाइप की दिखेगी, ठीक है, तो इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, ऐसे इस टाइप की हमको दिखेगी इनकी बॉडी, ठीक है, इसके अंदर भी एक ऐसे दिखेगा, ये हुआ, और इसके अंदर भी ऐसे दिखा, तो यानी ट्यूब विद इन ट्यूब इनकी बॉडी होती है, ठीक है, एनिलिड्स और एस्कल्मेंथेज, ठीक है, एस्कल्मेंथेज को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, एनिलिड्स को भी ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकी क्या होती है, स्ट्रेट होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब एंड रन बिटवीन फर्स्ट टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द बॉडी, इनकी एलिमेंट्री जो होती है कैनाल स्ट्रेट ट्यूब लाइक होती है, और फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी से लार्ज सेगमेंट ऑफ द बॉडी तक जाती है, ठीक है, रन करती है। ये फिगर दिखाया गया 7.10 में, हम आपको फिगर बाद में दिखाएंगे, पहले टेस्ट में क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल माउथ ओपन इनटू, इसका एक टर्मिनल माउथ होता है, टर्मिनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनेट, यानी वो लास्ट में बिल्कुल पाया जाएगा, है ना, वहाँ से चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी टर्मिनेट। जैसे मान लो ये हुआ तो टर्मिनल का मतलब यहाँ पे एपेक्स पे पाई जाएगी, टर्म पे मतलब लास्ट में, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पे बताया था, ठीक है, टर्मिनल क्या होता है, एक्जिलरी क्या होता है, एक्जिलरी हमारा जो अगल बगल होगा लेटरल साइड पे होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको एक्जिलरी बोलेंगे, जो ऊपर होगा एपेक्स पे होगा उसको हम टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। एक टर्मिनल माउथ ओपन इनटू द वक्कल कैविटी, है ना, एक टर्मिनल माउथ होता है जो कि लास्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वक्कल कैविटी सेगमेंट जो हमारा था फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट जो था उसको वक्कल सेगमेंट भी बोल रहे थे, वक्कल कैविटी बोलते थे उसी को, वक्कल सेगमेंट बोलते थे, ठीक है। विच लीड इनटू द मस्कुलर फेरिंग्स, वक्कल कैविटी के बाद जो हमारा होगा क्या होगा, एक मस्कुलर फेरिंग्स होगा, है ना, वक्कल माउथ के बाद हमारा क्या होगा, फेरिंग्स होगा। ए स्मॉल नैरो ट्यूब, है ना, माउथ के बाद क्या होगा हमारा, फेरिंग्स होगा, मस्कुलर फेरिंग्स होगा। ए स्मॉल नैरो ट्यूब जो होती है एक पतली सी होगी, स्मॉल होगी, है ना, छोटी होगी, और स्मॉल ट्यूब होगी जिसको हम एसोफेगस बोलेंगे, वो हमारी कहाँ पाई जाएगी,
5 to 7 सेगमेंट में हमारी क्या पाई जाएगी, एसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट में पाई जाएगी, जो कि हमारा कंटिन्यू होती है। एसोफेगस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कंटिन्यू इनटू द मस्कुलर गिजार्ड, है ना, जो हमारा मस्कुलर गिजार्ड होगा। एसोफेगस के बाद हमारा मस्कुलर गिजार्ड होगा जो कि हमारा कहाँ पाया जाएगा, 8 to 9 सेगमेंट में पाया जाएगा। अब गिजार्ड का काम क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, गिजार्ड जी आया इसमें, तो ये काम करेगा क्या, ग्राइंडिंग का काम करेगा, है ना, ग्राइंडिंग का काम करेगा, यानी चीज़ों को ये पीसेगा, ग्राइंड करेगा, है ना, जैसे हमारे मिक्सी में ग्राइंडर होता है ना, उसी तरीके ये चीज़ों को ग्राइंड करेगा यानी पीसेगा, ठीक है। इट हेल्पिंग, ये किसको पीसेगा, ये हमको बताया गया है, इट हेल्पिंग ग्राइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल, यानी सॉइल पार्टिकल को, यानी मिट्टी के पार्टिकल को ये पीसेगा, ग्राइंड करेगा, क्योंकि हमारा जो अर्थवर्म होता है वो वर्मी कंपोजिटिव होता है, मतलब वो सॉइल ही खाएगा, है ना, सॉइल खाता है, और अर्थवर्म की जो हमारा अर्थवर्म जो होता है हमारा, वो सॉइल को फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है उसको हम वर्मी कंपोजिटी बोलते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। इट हेल्प इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, एंड डिकेंग लीप, और हमारी डिकेंग लीप को भी, क्योंकि अर्थवर्म हमारी डिकेंग लीप भी खाता है और सॉइल पार्टिकल खाता है, तो उन दोनों को ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मस्कुलर गिजार्ड के बाद हमारा क्या आएगा, अर्थवर्म में क्या आएगा, हमारा स्टोमच, स्टोमच जो होगा हमारा 9 to 14 सेगमेंट में क्या पाया जाएगा, स्टोमच पाया जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्टोमच किस सेगमेंट में पाया जाता है, गिजार्ड किस सेगमेंट में पाया जाता है, एसोफेगस किस सेगमेंट में पाया जाता है, तो हम इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा गिजार्ड के बाद क्या आएगा, 9 to 14 सेगमेंट में स्टोमच आएगा, स्टोमच द फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकेंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मटर मिक्स विद सॉइल, है ना, इसका जो खाना होता है, अर्थवर्म का जो खाना होता है वो क्या खाता है, है ना, ये अर्थवर्म क्या खाता है भाई, डिकेंग लीफ खाएगा, है ना, सड़ी गली चीज़ें खाएगा, यानी लीफ खाएगा, और ऑर्गेनिक मटर जो कि सॉइल में मिक्स होता है ना, सॉइल है तो उसमें ऑर्गेनिक मटर जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, तो उसको भी खाता है ना, सॉइल खाएगा तो उसमें जो होगा ऑर्गेनिक मटर मिक्स होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटर जो होगा मिक्स होगा, अर्थवर्म डिकेंग लीफ भी खाएगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो मैं आपको बताऊँगा, कैल्सीफेरस ग्लैंड है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमच, ये कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती है अर्थवर्म के स्टोमच में प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमच न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस, है ना, जो हमारा ह्यूमस में होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती है स्टमच में प्रेजेंट होती है, ये ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है जो कि हमारा ह्यूमस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जो डिकेंग लीफ होती है उन्हीं से हमारा ह्यूमस बनता है। ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, ये ह्यूमस होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है ये, इसमें ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये हमारी जो कैल्सीफेरस ग्लैंड होगी अर्थवर्म में, ये स्टोमच में पाई जाएंगी और ये ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगी ह्यूमस में जो कि प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम 14 सेगमेंट ऑनवर्ड एंड कंटिन्यू टिल द लास्ट सेगमेंट, जो इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टोमच के बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, 15 सेगमेंट, है ना, इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम 15 सेगमेंट ऑनवर्ड। 15 सेगमेंट ऑनवर्ड का मतलब है 15 सेगमेंट के बाद, यानी 15 सेगमेंट के बाद ये हमारी कंटिन्यू हो जाएगी टिल लास्ट सेगमेंट तक ये कंटिन्यू रहेगी, यानी 15 सेगमेंट के बाद ये पूरी बॉडी तक लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू रहेगी। ए पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल फीकाई प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट, ये मैं आपको फिगर में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एक पेयर जो होते हैं शॉर्ट एंड कॉनिकल होते हैं, मानी शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, और कॉनिकल मतलब कोन लाइक होंगे, कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल थीकाई जो बोलते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं 26 सेगमेंट में, ठीक है, 26 सेगमेंट में पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल थीकाई। इसके नाम से ही पता चला है इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और थीकाई जो कि प्रोजेक्ट होंगे, कॉनिकल होंगे और शॉर्ट होंगे, 26 सेगमेंट में पाए जाएंगे, ये हम फिगर में आपको दिखाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25 सेगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ
इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कॉल्ड टेफ्लोशोल। इसका मतलब कि हमारा जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना इंटेस्टाइन का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है मैं बताता हूँ, इंटेस्टाइन में क्या पाया जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट है ना, 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि 26 सेगमेंट के बाद है ना, एक्सेप्ट लास्ट सेगमेंट 23rd to 25 सेगमेंट में क्या होता है, लास्ट सेगमेंट को छोड़ के 23 और 25 सेगमेंट में क्या होगा, इंटरनल फोल्ड हो जाएंगे, इंटरनल मीडियल फोल्ड पाए जाएंगे डॉर्सल वॉल में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेप्लोसोल बोलते हैं। टेप्लोसोल का काम क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्बिटरी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्बिटरी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका टेप्लोसोल का वर्क क्या होता है। ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है, किस सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, यानी टेप्लोसोल जो होता है हमारा एब्जॉर्बिटिव सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ओपन टू द एक्सटीरियर बाई स्मॉल राउंडेड अपर्चर कॉल एनस, है ना। एलिमेंट्री कैनाल जब हमारी लास्ट में ओपन होगी तो एक राउंडेड, मैंने आपको फिगर में बताया था कि इसमें स्मॉल राउंडेड लास्ट में सपोर्टेड ये एनलिट्स है यानी अर्थवा में, तो यहाँ पे होगा एनएस होगा, स्मॉल अपर्चर होगा, राउंडेड अपर्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एनएस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुदादौर। ठीक है, जहाँ से हमारी चीज़ें एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर जाना, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। ठीक है, बाहरी इसको बोलते हैं। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अर्थवर्म, जो भी ऑर्गेनिक रिच सॉइल है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल से रिच सॉइल इंजेस्ट करेगा, मतलब वो खाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएंगे, मतलब वो जाएंगे, जब वो सॉइल को खाएगा तो वो पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, वो डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ऑर्गेनिक रिच सॉइल जो खाएगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होती हुई जाएगी, तो वहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होंगे, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे जो कि हमारे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है, वो ह्यूमन के केस में हो या हम लोगों के केस में हो या फिर किसी और के केस में हो, डाइजेशन का मतलब ही ये होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़कर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, दीज सिंपलर मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंड आर यूटिलाइज, और ये हमारे जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे सिंपल मॉलिक्यूल जो होंगे इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर उनको वो यूटिलाइज कर लेगा, अर्थवर्म फिर उनको यूटिलाइज कर लेगा सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल को। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू यूटिलाइज कर लेगा। सो हम आपको फिगर दिखा देते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म का फिगर दिखाया गया, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है, माउथ हमारे कहाँ पे पाया जाएगा, फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे हमारा माउथ पाया जाएगा, फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे माउथ पाया जाएगा, माउथ के बाद हमारा क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, है ना, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद हमारा एसोफेगस आएगा, एसोफेगस जो कि था हमारा 5 to 7 सेगमेंट में पाया जा रहा था, एसोफेगस जो था हमारा 5 to 7 सेगमेंट में पाया जा रहा था, एसोफेगस के बाद क्या था हमारा, गिजार्ड था, एसोफेगस के बाद क्या था हमारा, गिजार्ड, जिसमें फिगर में क्या है, फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट टू थ्री सेगमेंट में हमने देखा माउथ पाया जा रहा था, है ना, उसके बाद माउथ के बाद हमारी अर्थवर्म में फेरिंग्स पाई जा रही थी, और फेरिंग्स के बाद एसोफेगस पाया जा रहा था जो कि 5 to 7 सेगमेंट में पाया जा रहा था, 5 to 7 सेगमेंट में हमारा क्या पाया जा रहा था, एसोफेगस पाया जा रहा था, और ये 4 to 5 और 6 सेगमेंट में क्या पाई जा रही थी, ब्लड ग्लैंड पाई जा रही थी जो कि 3 पेयर थी।
ठीक है, ब्लड ग्लैंड थी यानी ब्लड सेल ये बनाएंगी। ब्लड ग्लैंड का काम क्या होगा, ब्लड सेल को बनाएंगी, है ना, हीमोग्लोबिन को बनाएंगी। और ये हीमोग्लोबिन जो होगा अर्थवर्म में क्या होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, एसोफेगस के बाद क्या था, गिजार्ड था। गिजार्ड का फंक्शन क्या था, सॉइल पार्टिकल को और ऑर्गेनिक मटेरियल को, लीप को, डिकेंग लीप को ग्लैंड करना, है ना, उनको पीसना। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता, स्टोमच पाया जा रहा था, जो कि हमारा अर्थवर्म में 9 to 14 सेगमेंट में पाया जा रहा था। और इसमें जो टेस्टिस होती हैं वो हमारी 10 और 11 पेयर में पाई जाती हैं, है ना, 10 और 11 में टेस्टिस पाई जाती हैं, क्योंकि इससे नाम से पता चला है टेस्टिस में टी आया मतलब 10, है ना, 10 के बाद एक और जोड़ दो यानी 11, है ना, 10 और 11 सेगमेंट में टेस्टिस पाई जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, जो 15 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट में क्या पाई जाएगी, इंटेस्टाइन पाई जाएगी। 15 सेगमेंट टू लास्ट यानी 35 सेगमेंट तक क्या पाई जाएगी, इंटेस्टाइन पाई जाएगी, है ना। अब ये हमको दिखाया गया प्री टेप्लोशोलर पार्ट, ये जो है इंटेस्टाइन का, है ना। टेप्लोशोलर जो था उसका काम क्या था, उसका काम था एडजर्टिव सर्फेस एरिया को इंक्रीज करना, है ना। ये हमारा क्या है, प्री बताया गया है, प्री टेप्लोशोलर का मतलब ये टेप्लोशोलर के पहले पाया जाएगा, इसलिए इसको प्री बोला गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइनल सिकाई होते हैं, इंटेस्टाइनल सिकाई होते हैं, क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं, वन पेयर इंटेस्टाइनल सिकाई होंगे जो कि 26 सेगमेंट में पाए जाएंगे, है ना। उसके बाद हमारे लिम्फ ग्लैंड आते हैं, इसमें अर्थवर्म में लिम्फ ग्लैंड पाए जाएंगे, जो कि लिम्फ ग्लैंड का मतलब है कि मान लीजिए इसमें इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करेंगी लिम्फ नोड वगैरह। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है टेप्लोशोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी टेप्लोशोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो इसका काम था कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट टू 35 सेगमेंट तक पाई जाएगी। ठीक है, और ये टेप्लोसोल जो होता है 25 to 35 सेगमेंट तक पाया जाता है, है ना। इसमें क्या दिखाया गया हमको, इंटेस्टाइनल लूमेन, इंटेस्टाइनल लूमेन का मतलब है इंटेस्टाइन में जो लूमेन होगा यानी कैविटी, इंटेस्टाइन की जो कैविटी होगी, एक सेक्शन काट के इतना हटा के दिखाया गया हमको कि इंटेस्टाइन की जो लूमेन होती है इस टाइप की होती है। तो ये हमारा फिलहाल डायग्राम तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया, ये एरिमेंटे कैनाल ऑफ अर्थवर्म था, है ना। टेप्लोसोल जो था इंक्रीज एब्डोर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करा था, जो कि 25 to 35 सेगमेंट में पाया जा रहा था। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे अर्थवर्म के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।